नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके पास अध्याय 2 का वीडियो लेके आए हैं। पहले अध्याय 1 का लेके आए थे, आज अध्याय 2 का लेके आए हैं, क्योंकि हम ईवीएस का अध्याय व अध्याय लेके आ रहे हैं। प्रकरण है जंतु और पौधे, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल। यह अध्याय सीटेट परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय से वर्ष 2011 से अब तक सावधिक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वर्ष 2011 में 1 प्रश्न, 2012 में 5 प्रश्न, 2013 में 4 प्रश्न, 2014 में 10 प्रश्न, 2015 में 7 तथा 2016 में सर्वाधिक 10 प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से, जंतु और पौधे से। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। हमें सलाह है कि आप भी पढ़िए। अगर आपके पास ये बुक है, अरिहंत का है, 2019 का एडिशन है, अगर ये प्रिंटेड छप के आया है तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए कि इस चैप्टर से आप तैयारी कर ले। तो इसी चैप्टर से हम वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो को सुनिए, देखिए, समझिए तो आपके लिए अच्छा होगा, तैयारी करने के लिए परफेक्ट है ये, क्योंकि इसमें निचोड़ दिया गया है। मैंने जंतु और पौधे से बना एक बुक से, गाइड से बना हुआ है, और इसी से रिलेटेड 80-100 को क्वेश्चन है। बस वो भी क्वेश्चन हम आपके पास लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में है सिर्फ जंतु है, पौधे को बाद में हम लेके आए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो बोरिंग टाइप का होता है। तो इसलिए आज के वीडियो में हम सिर्फ जंतु के बारे में पढ़ेंगे और पौधे के बारे में नेक्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उस वीडियो का आप लाभ उठा सकें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सीटेट से ही रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सजीवों को पादप जगत, जंतु जगत तथा सूक्ष्म जीवों में विभक्त किया जाता है। सजीव प्राणी बहुकोशिकीय तथा एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, लेकिन कालांतर में हिपटेकर ने सजीवों को 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है, जो निम्नलिखित है। ये चीज याद रख लिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सब पूछा भी गया है प्रैक्टिस सेट में, कि सजीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये पॉइंट है, सजीवों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन वर्गों में बांटा गया है? मोनेरा, जीवाणुओं का अध्ययन, प्रोटिस्टा, अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन, कवक, मशरूम और फफूंद का अध्ययन, पादप जगत यानी कि पौधों का अध्ययन, जंतु जगत यानी जंतुओं का अध्ययन। बहुत महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, एक पढ़ लीजिएगा तो आपको अधिकांश क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए 2.1 में चलते हैं पौधे। और एक चीज आपको बता दें, इस पीडीएफ का लिंक हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उस ग्रुप में आप जुड़ जाइए, इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा ग्रुप है, वो सीटेट ग्रुप के लिए ही सिर्फ बना हुआ है। पौधे प्लांट्स पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा मनुष्य तथा जीव जंतु भी अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य तथा जीव जंतु जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं वे पेड़ पौधे से ही प्राप्त करते हैं, इसलिए उसको पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं। बालकों का अपनी बाल्यावस्था में ही पेड़ पौधों आदि से परिचय होता है, इसलिए परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वह बालक को पेड़ पौधे के विषय में आवश्यक जानकारी दे, ताकि पौधे बालक के लिए लाभकारी भूमिकाएं निभाएं। अब चलिए पौधे के भाग एवं उनकी भूमिकाएं। प्रायः सभी पौधों में जड़, तना, पत्ती, फल एवं फूल पाए जाते हैं, जबकि कवक, शैवाल आदि में इस प्रकार की चीजें दिखाई नहीं देती। पौधों को इन भागों का विवरण अग्र लिखित है।
जड़। देखिए जड़ का क्या काम है, यह पौधे का वह भाग है जो प्रायः भूमि के अंदर रहता है। जड़ यानी कि रूट दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और छगड़ा जड़। बिल्कुल सही, जड़ जो है दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और झगड़ा जड़। और दोनों का डिफिनेशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ बहुत साफ तरीके से। मूसला जड़ के उदाहरण मटर, चना, मूली, गाजर, सरसों, जामुन, शलजम, आम, चुकंदर आदि। झगड़ा जड़ का उदाहरण गेहूं, घास, गन्ना, मक्का, प्याज, लहसुन आदि। मूसला जड़ का मतलब समझ लीजिए कि मुलायम, मुलायम जड़, जैसे मटर, चना, मूली, गाजर, सरसों, जमुन, इस सब का लगभग मुलायम जड़ होते हैं। लेकिन इसी तरह से आ जाइए झगड़ा, तो गेहूं, घास, गन्ना, मक्का, प्याज, लहसुन आदि, ये जमीन से जकड़ा हुआ चीज होता है। जड़ का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रूट्स, यह पौधों को जमीन से पकड़े रहता है तथा जमीन से जल एवं खनिज पदार्थ अवशोषित करके तने के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, तना। जड़ तो हम लोग पढ़ लिए, समझ लिए, अब तने में आ जाइए। यह पौधे का वह भाग है जो प्रायः भूमि के ऊपर रहता है। तना स्टेम हरा व भूरे रंग का होता है। तने से ही टहनियां एवं पत्तियां निकलती हैं। बिल्कुल सही है, यह पौधे का वह भाग है, तना पौधे का वह भाग है जो प्रायः भूमि के ऊपर रहता है। भूमि के नीचे तो जड़ होती है और भूमि के ऊपर तना होती है। तना हरा व भूरे रंग का होता है, ध्यान रखिए, तना हरा व भूरे रंग का होता है। तने से ही टहनियां और पत्तियां निकलती हैं। तना का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेम, यह जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज पदार्थ को पत्ती तथा पौधों के अन्य भागों से पहुंचाने का कार्य करती है। यानी कि जो जड़ से जो खनिज पदार्थ होते हैं वह भोजन के रूप में पत्ती और पौधों को पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है? तना। आलू, अदरक जैसे कुछ तने जमीन के अंदर भी होते हैं जिनको हम खाते हैं। बहुत सारे पढ़ने का चीज आता है कि भाई चलो तना वाला चीज बताओ, तना कौन कौन है, तो आलू, अदरक जैसे सब पदार्थ हैं जो जमीन के अंदर होते हुए जड़ नहीं कहलाते, ये तना कहलाते हैं। पत्ती, अब आ जाइए जड़, तना, उसके बाद पत्ती के बारे में पढ़ लेते हैं। पौधों की पत्तियां तनों व टहनियों के सहारे निकलती हैं। पत्तियां लिप्स मुख्य रूप से हरे रंग की होती है, जबकि कुछ पौधों की पत्तियां लाल, बैंगनी तथा पीले रंग की भी होती है। पत्तियों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लीफ, पत्तियां सूरज की रोशनी में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती है जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। पत्तियां से जो जलपाष्प बाहर निकलती है उसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। बहुत है, देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। पत्तियां सूरज की रोशनी में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती है। यानी कि पत्तियां जो हैं सूर्य की रोशनी को ग्रहण करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती है जिससे पौधे में भोजन का निर्माण होता है। और पत्तियां से जो जल वाष्प बाहर निकलती है उसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। अब यह देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन लिखा हुआ, सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया अधिक होती है, तत्पश्चात बैंगनी रंग के प्रकाश में स्वाधिक होती है, हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरह रुक जाती है। नागफनी कैक्टस, नागफनी कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसके हरे रंग वाले तने में होती है क्योंकि उसकी पत्तियां कांटेदार होती है। फाख्ता नामक पक्षी जो काफी छोटा होता है कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाकर रहता है। ये चीज याद रखिए, आप तो अगर सीटेट का अगर प्रैक्टिस सेट मारते होंगे तो ये चीज बहुत बार प्रैक्टिस सेट में पूछा गया है कि फाख्ता नामक जो पक्षी है जो काफी छोटा होता है
कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाकर रहता है। ये याद रखिए, इससे 3-4 क्वेश्चन बना जाता है, बनाया जाता है। जैसे होता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, तो फाकता नामक पक्षी है जो कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। और उसके बाद है ये फूल, फूल फ्लावर नए पौधों के विकास में सहायता करते हैं, क्योंकि फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। फूलों की पंखुड़ियां रंगीन होती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों की पंखुड़ियां का रंग भी भिन्न भिन्न होता है। फूल के कई भाग होते हैं, जैसे ब्राह्मदल, पंखुड़ियां, स्त्री केसर व पुंक केसर आदि। फूलों में सबसे बड़ा फूल रफलेसिया तथा सबसे छोटा फूल बुल्फिया है। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में अवस्थित है। देखिए यहाँ पॉइंट, देखिए यहाँ पॉइंट में 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे बड़ा फूल रफलेसिया और तथा सबसे छोटा फूल बुल्फिया, और फूलों की घाटी चमोली कहाँ पाई जाती है, तो उत्तराखंड में अवस्थित है। इस चीज को याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं पॉइंट दर पॉइंट। फूलों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लावर। परागण की प्रक्रिया फूलों द्वारा ही संपन्न होती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधे में प्रजनन क्रिया होती है। परागण की प्रक्रिया कई प्रकार से होती है, जैसे वायु द्वारा, कीटों द्वारा, जल द्वारा, पक्षियों द्वारा, जंतुओं जैसे चमगादड़ व घोंघा इत्यादि के द्वारा। कुछ फूलों को खाया भी जाता है, जैसे केला, सहजन, कद्दू, तरई। कुछ फूलों से इत्र बनाए जाते हैं तथा इनसे ही लौंग व केसर इत्यादि प्राप्त होते हैं। फल, फल फ्रूट्स का निर्माण फूलों के अंडाशय भाग से होता है। यहाँ देखिए फिर एक क्वेश्चन बन रहा है कि फल का निर्माण फूलों के किस भाग से होता है, तो अंडाशय भाग से होता है। फलों के अंदर बीज भी होता है। फल सामान्यतः मीठे और खट्टे दोनों प्रकार के होते हैं। फल के उदाहरण हैं जैसे सेब, अमरुद, अनार, टमाटर, नींबू आदि। बीज, फूलों में पाए जाने वाले बीजाणु बीज सीड्स बनाते हैं। बीजों के अंदर भ्रूण होता है जो नमी व वायु की उपस्थिति में अंकुरित होता है। बीज का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सीड्स। कुछ बीजों से तेल निकाले जाते हैं। कई प्रकार के जीव बीजों को खाया भी जाता है, जैसे मूंगफली, दाने, चावल, गेहूं आदि। अब आज ये पौधों के प्रकार, भौतिक विशेषता अथवा आकार के आधार पर पौधों के निम्नलिखित वर्गीकरण है। साग, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनका तना हरे रंग का होता है जो बहुत ही कोमल होता है। इसमें अत्यधिक टहनियां नहीं पाई जाती हैं। इसका उदाहरण है धनिया, मेथी, पालक आदि। झाड़ी, इनका आकार साग से बड़ा होता है। इनका तना मोटा व कठोर होता है, जिसमें कई सारी शाखाएं इनके तने के आधार से निकलती है। इसके उदाहरण हैं गुलाब, गुड़हल, नींबू आदि। वृक्ष यानी कि ट्री, इनका आकार बहुत बड़ा एवं विशाल होता है। इनका तना कठोर, मोटा एवं भूरे रंग का होता है। इनके तने से कई शाखाएं निकलती हैं जो चारों ओर फैली होती है, जैसे आम, नीम, जामुन, पीपल, कीकर इत्यादि। लताएं, ये वो पौधे होते हैं जो अत्यंत कमजोर होते हैं, जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते। इनको स्थिर रहने के लिए
सहायता की आवश्यकता होती है। इनके दो वर्ग हैं, विसर्जी लता यानी कि सामान्य रूप से ये लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती है। इसके उदाहरण हैं खीरा, खरबूजा, तरबूज, पुदीना आदि। दूसरा पॉइंट है आरोही लता। ये लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ी होती है या ऊपर चढ़ती है, जिससे यह वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपटी होती है। इसके उदाहरण हैं मनी प्लांट्स, मटर, अमरबेल इत्यादि। अब आ जाइए क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। क्षेत्र के आधार पर पौधों के निम्न प्रकार होते हैं। जलोद्भिद, ये पानी में पाए जाते हैं, जिसकी जड़ कम विकसित होती है। इनकी पत्तियां पतली व संकरी होती है, जिस पर मोम की परत होती है। इसके उदाहरण हैं कमल, हाइड्रिल, जल लिली। लवणोद्भिद, इस प्रकार के पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई होती हैं। साल्ट मार्श इसका उदाहरण है। समोद्भिद, ये पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। इनका तना ठोस और शाखा युक्त होता है। इसके उदाहरण हैं मक्का, टमाटर, गेहूं, धान आदि। मरुद्भिद, ये पौधे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां छोटी छोटी एवं जड़ें गहरी होती हैं। इन पौधों का तना गद्देदार एवं मोम की परत से ढका होता है। इसका उदाहरण नागफनी, एकासिया, यूफोबिया आदि है। कुछ विशेष पौधे या वृक्ष। कुछ विशेष पौधे व वृक्ष निम्नलिखित हैं। बरगद, यह एक विशालकाय वृक्ष होता है, जिसका फैलाव अधिक होता है। इनकी शाखाओं से जड़ें भी निकलती हैं, जिनको स्तंभ जड़ यानी कि टैप रूट भी कहा जाता है। क्रोटोन, यह पौधा फसल के साथ बोया जाता है, जो यह बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं होती। जब यह मुरझाने लगता है तो यह पता चलता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। केला, केला केले का पौधा एक प्रकार का शाक है, जिसका तना कमजोर व हरा होता है। केले के फूल व फल दोनों खाए जाते हैं। खेजड़ी, यह भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती तथा इनकी फलियों की सब्जी बनती है। इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। यह छायादार होता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। खेजड़ी, खेजड़ी बहुत बार पूछा जाता है खेजड़ी कहाँ पाया जाता है, तो खेजड़ी रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। और क्वेश्चन में रहेगा कि कौन ऐसा पेड़ में है जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं, तो खेजड़ी, नीम के बाद खेजड़ी भी आती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में खेजड़ी रहे तो खेजड़ी भी मारने का प्रयास कीजिएगा। और ये खेजड़ी के बाद रेगिस्तानी ओक, ये भी पढ़ लीजिए ध्यान से, ये भी महत्वपूर्ण पौधा है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। रेगिस्तानी ओक, यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जड़ें गहरी होती है तथा यह पानी में स्थिर होता है और इनमें पत्तियां बहुत कम होती है। इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। घटपर्णी यानी कि नेफिथिन्स, यह पेड़ कीड़े मकोड़ों, मेढकों, चूहों एवं छोटे जीवों को खा जाता है, इसलिए इसको कीट भच्ची पौधा भी कहा जाता है। इनका आकार लंबा घड़े जैसा होता है, सिर पर पत्तीनुमा ढक्कन होता है। इस पौधे से एक खुशबू निकलती है,
जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास आते हैं। यह भारत में मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। यह पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। तो ध्यान रखिए, ये भी घटपर्णी पौधा जो कीड़ों मकोड़ों को खाने वाला पौधा है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब चलते हैं पौधों का महत्व। पौधों के महत्व को हम निम्न रूप से देख सकते हैं। पौधे हवा को शुद्ध करते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, जैसे जीवन के लिए भी आवश्यक होते हैं, क्योंकि यह प्रकृति से संतुलन बनाते हैं। पौधे मृदा संरक्षण को रोकते हैं और मृदा की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं। वातावरण की सुंदरता को बढ़ाने में कई सिंगारिक पौधे विशेष रूप से सहायक होते हैं। मरुद्भिद के उदाहरण नागफनी, यूफोबिया एवं एकासिया इत्यादि हैं। इस प्रकार से हम पाते हैं कि कुछ पौधे विविध उत्पादों के कारण अपनी विशेष महत्ता रखते हैं। इस प्रकार के कुछ विवरण निम्नलिखित हैं: अनाज और दालें, सब्जियां, खाद्य तेल, पेय पदार्थ, रेशेदार पदार्थ, औषधियां। तो अनाज और दालें में देखिए कौन कौन आ जाते हैं। अनाज में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। और दालें में मटर, चना, अरहर, मूंग, मसूर। सब्जियां में आ जाइए, जड़ सब्जियां के जड़ में मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम। तना में आ जाइए, आलू, अरबी, अदरक। पत्ती में आ जाइए, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, फूलगोभी, फल तुरई, भिंडी, टमाटर। ये इतना सब्जी है, लेकिन सब्जी को तीन भागों में बांटा गया है, जड़, तना और पत्ती और फूल के रूप में और फल के रूप में। सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में बांटा गया है। अब आइए खाद्य तेल में। खाद्य तेल में भी तीन भागों में बांटा गया है, बीजों से, फूलों से और फलों से, तीनों से तेल निकलते हैं। तो पहले बीजों से आ जाए, तो बीजों से निकलने वाले सरसों और मूंगफली, फूलों से चमेली और गुलाब, फलों से नारियल। अब आ जाइए पेय पदार्थ में, पीने वाला। तो पीने वाला में आ जाए चाय, कहवा, कोको। रेशेदार पदार्थ में कपास, जूट, सन। औषधियां में पेनिसिलियम, कवक, एट्रोपिन, बेलाडोना, कुनैन, सिनकोना, मार्फिन, अफीम, इसगोल। अब अगले पॉइंट में चलते हैं कि बच्चों के लिए पौधों का महत्व। तो हम बता दें कि लास्ट है, बच्चों के लिए पौधे अनेक आयामों में लाभकारी होते हैं। पौधे के महत्व को हम इस रूप में देखते हैं कि वह मानव एवं जंतु के लिए जीवनदायिनी गैस के साथ साथ खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराते हैं। पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास से बच्चे भली भांति अवगत एवं प्रभावित होते हैं, जिससे उनके पौधों के विकास व वृद्धि के विषय में जानने की उत्सुकता बढ़ती है, जो बच्चे के लिए लाभकारी होता है। तो दोस्तों, आगे है जंतु। तो जंतु वाला वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। ऐसे ही बहुत लगता है 20-25 मिनट का वीडियो बन गया है, तो ज़्यादा लंबा होने से बोरिंग हो जाएगा। तो इस पौधे के बारे में तो हम समझा दिए, अब नेक्स्ट वीडियो में इंतजार कीजिएगा, हम जंतु के बारे में लेके आएंगे। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और उस लिंक पे जुड़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।